मंगलवार के दिन क्षेत्रीय विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे, एसडीएम शोभाराम सोलंकी, कमल यादव, श्यामा तोमर, देवेंद्रगिरी गोस्वामी की उपस्थिति में कृषि मंडी में सोयाबीन खरीदी की शुरुआत की गई। पुष्प नक्षत्र के शुभ अवसर पर मंडी में खरीदी प्रारंभ की गई। इस दौरान सभी किसानों का एवं व्यापारियों का विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे द्वारा साफा बांधकर स्वागत किया गया। मुहूर्त में 5060 प्रति क्विंटल में सोयाबीन खरीदा गया। इस दौरान विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मंडी संचालन में भी जो भी सहयोग लगेगा उनके द्वारा वह सहयोग किया जाएगा। कन्नौजे ने कहा कि मंडी का व्यवस्थित रूप से संचालन हो जिससे कि क्षेत्र के किसानों को इसका लाभ मिल सके। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। ना पुष्य नक्षत्र का समय है और नीलामी शुरू हुई है, क्या क्या? हाँ, हमारे अधिक बारिश की वजह से काफ़ी किसानों को परेशानी आई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मंडी सब किसान साथी और व्यापारियों के सहयोग से आज चालू हुई है, जिसमें हमारे मंडी कर्मचारियों की भी रुचि है। मैं सबको बधाई देता हूँ। साथ ही बागली क्या है, बागली विधानसभा और देवास जिला लगभग बराबर है, इसलिए बागली को हर जगह आगे लाना है। और मेरा ऐसा सोचना है कि इस बार ज़रूर हम अधिक बारिश की वजह से कहीं कहीं धोखा खा गए, पर अब मैंने लगातार कलेक्टर महोदय को भी पत्र लिखा है कि बीमा योजना का भी किसानों को लाभ मिले, साथ ही अच्छी फसल की अच्छे कीमत मिले, इसके लिए भी मैंने अभी बात रखी है। प्रशासक एसडीएम साहब भी हमारे साथ हैं, तो मैं पुनः बधाई देता हूं सभी किसान साथियों को, व्यापारियों को और आप सभी को, ताकि हमारे बागली में खुशहाली हो। मंडी में नीलामी शुरू हुई क्या? जैसा कि विदित है, आज विधिवत मंडी में नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। उसमें सर्वोच्च बोली 5060 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सोयाबीन की लगाई गई है। बहुत अच्छी शुरुआत की गई है। इसमें सभी व्यापारी, सभी मंडी के कर्मचारी, अधिकारीगण, कृषक साथी और हमालों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। प्रशासन की ओर से संपूर्ण व्यवस्था की गई है। जब भी किसी को प्रकार की समस्या तो हमें बताएं, हम बाकायदा कृषक साथियों के साथ में बागले के विकास के लिए हम तत्पर हैं। आगे भी मंडी का संचालन होता रहेगा? हाँ, आगे भी निरंतर होगा। जिस दिन अवकाश रहेगा उस दिन पृथक से सचिव द्वारा सूचना दी जाएगी, लेकिन निरंतर हमारा कार्य जारी रहेगा। और मैं सभी कृषक साथियों से और व्यापारियों से अनुरोध करता हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में बेचने और खरीदने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।